हम सबको पता है कि ज़ीरो कितनी इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न वर्ल्ड के फंक्शनिंग में, और ऑलरेडी हम ज़ीरो के ओरिजिन के बारे में बहुत सुने हैं। ज़ीरो को जिस तरह से आज हम देखते हैं, एक एफर्टलेस सा सिंपल सा शेप जिसे कोई किंडरगार्टन का बच्चा भी एक दो दिन में बनाना सीख जाता है, वही ज़ीरो एक समय हमारे पूर्वज के समझ से बाहर की बात थी। कोई चीज़ कुछ नहीं को भी दर्शा सकता है, ये एक मिरेकल है ह्यूमन हिस्ट्री में। ज़ीरो बस एक नंबर ही नहीं है नंबर सिस्टम में, ज़ीरो एक एंकर की तरह यूज़ होता है बाकी नंबर्स को रिसाइकल करने के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए बिना कॉम्प्लिकेटेड हुए। बट अनलाइक अदर नंबर्स, ज़ीरो की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही नहीं है। अगर आप ज़ीरो का एज एन आइडिया देखो तो उसकी बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है, और इस आइडिया को समझने के लिए आपको अपने दुनिया देखने की परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। इट डिमांड्स एन ऑल्टर्ड विजन ऑफ रियलिटी, और यही वो यूनिक पर्सपेक्टिव है देखने का जिसके कारण ज़ीरो ईस्ट से ओरिजिनेट हुई है, ना कि वेस्ट से। पर इसका मतलब ये नहीं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने कभी ज़ीरो का यूज़ नहीं किया था। इनफैक्ट मायंस एंड बेबीलोनियंस हैव इट्स ओन शेयर ऑफ द स्टोरी ऑफ ज़ीरो। बट जिस ज़ीरो की हम बात कर रहे हैं, द नंबर इन इट्स ओन राइट, जिस ज़ीरो को आज हम देखते हैं, जो इस डिजिटल वर्ल्ड की लाइफ ब्लड है, उस ज़ीरो की यूसेज ईस्टर्न साइड से शुरू हुई थी, एंड टू बी प्रिसाइज इन इंडिया। तो ईस्ट के पास ऐसी क्या एडवांटेज थी जो वेस्ट के पास नहीं था? व्हाट लेवरेज ईस्ट हैड ओवर वेस्ट दैट गॉट देम ज़ीरो? और इसका आंसर है डिफरेंस इन परसेप्शन, दोनों की दुनिया देखने का जो नज़रिया है उसमें अंतर था। जहाँ तक आज की बात है, चाहे आप कोई भी साइड से हो, ईस्ट या वेस्ट, सबकी परसेप्शन एक ही जैसी है, बाइनरी। हर चीज़ों में एक डेफिनेट कॉन्ट्रास्ट है, कोई शेड्स नहीं, ना ही कोई ग्रे एरिया। फॉर एवरीथिंग दे आर टू इक्वली ऑपोजिट ऑप्शंस वी हैव। हम अपनी रियलिटी को भी इसी बाइनरी विजन से देखते हैं, डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्क, हॉट एंड कोल्ड, मेल फीमेल, गुड एविल, लाइफ डेथ एंड सो फोर्थ। और होता यूँ है कि ऐसी परसेप्शन से हमारी विज़न बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। आज के डेट के लिए जो सबसे सही एग्जांपल होगा वह है शोविनिज्म। या तो आप नेशनलिस्ट हो या फिर टेररिस्ट, या तो आप मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो। हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए। मैं आपके साथ भी नहीं हूँ, ना ही मैं आपके अगेंस्ट में हूँ। या तो फिर मैं आपके साथ भी हूँ और अगेंस्ट भी हूँ, साथ उन आइडियाज़ के लिए जिससे मैं अग्री करता हूँ, अगेंस्ट उन आइडियाज़ के लिए जिससे मैं अग्री नहीं करता हूँ। लेकिन हमने इन सारे पॉसिबल ऑप्शंस को ख़त्म करके एक बाइनरी वे से वर्ल्ड को परस्यू करने लगे हैं। हम सारी चीज़ों को बस दो कैटेगरीज में बांट दिए हैं। हमारी ज़िंदगी से नुएंसेस ख़त्म हो गई हैं, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। और ऐसा ही परसेप्शन हमेशा से होता तो शायद हमें कभी ज़ीरो भी नहीं मिलता। सो बैक इन द डेज एंशिएंट ग्रीक्स के लिए एम्प्टीनेस भी एक नंबर हो सकता है, ये उनके समझ से बाहर की बात थी। वाइड को सिंबल देना तो दूर, एम्प्टीनेस भी स्पेस लेता है, इस आइडिया को वो कंसीव ही नहीं कर सकते थे। हाउ कैन देयर बी समथिंग फॉर नथिंग? उनका दुनिया और यूनिवर्स देखने का जो तरीका था वह फिजिकल रियलिटी पे बेस्ड था, और जिन्हें वो लीनियर लॉजिक और कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशनशिप के थ्रू ड्राइव करते थे। मतलब कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो नॉट ट्रू नहीं हो सकती है। इस आइडिया को मैथमेटिक्स में कहते हैं द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, जिसे फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने एस्टैब्लिश किया था, जिनका मानना था इट विल नॉट बी पॉसिबल टू बी एंड नॉट बी द सेम थिंग। देर इज़ नो मिडिल ग्राउंड बिटवीन ट्रू एंड नॉट ट्रू। द वेरी डेफिनेशन ऑफ ए इज़ दैट इट इज़ नॉट नॉट ए, समथिंग कैन नॉट बी बोथ। लेकिन ईस्ट की परसेप्शन थोड़ी अलग थी, या सच और गलत के बीच एक ग्रेडेशन हुआ करता था, इट हैड मोर नुएंसेस। उनके नज़रिए से कोई भी सिचुएशन के सिर्फ दो पहलुएँ नहीं होती है, बल्कि चार पहलुएँ होती हैं। या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, या ट्रू फॉल्स दोनों ही है, या फिर ट्रू फॉल्स दोनों ही नहीं है। ये प्रिंसिपल बुद्धिस्ट फिलोसफी से ऑरिजिनेट होती है, जिसे कहते हैं कटुस्कोती, मीन्स फोर कॉर्नर्स, स्टार्टेड बाय नगार्जुना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट फिलोसफर आफ्टर द बुद्धा हिमसेल्फ। उनके लिए एक मेडिटेटिव पोर्टल था जिसके थ्रू वो शून्यता को समझने की कोशिश करते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस होती है बुद्धिस्ट लोगों में, जब वो मेडिटेशन पे बैठते हैं तो एक काउंट करते हैं जब वो सांस अंदर लेते हैं, और दो काउंट करते हैं जब वो सांस छोड़ते हैं, और धीरे धीरे एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं वॉइड, शून्य, या फिर आप उसे दूसरे नाम से बोलो तो ज़ीरो। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों वेस्ट के बाइनरी विजन के लिए एम्प्टीनेस को एज एन एंटिटी देखना पॉसिबल नहीं हो पाया, और यही ईस्ट के नुएंस्ड और ग्रेडियंट विजन के लिए पॉसिबल हो पाया। ज़ीरो एक सिम्बॉलिक फॉर्म है एब्सेंस का, और उसके प्रेजेंस को सेंस करने के लिए पहले आपको उसे फील करना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नथिंग इज़ ऑल्सो समथिंग, और सिर्फ डीप इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ही कोई नथिंगनेस को एक नंबर के साथ इक्वेट कर सकता है। ओनली विद डीप इंट्रोस्पेक्शन वन कुड इक्वेट एब्सोल्यूट नथिंगनेस विथ अ नंबर। इसलिए नेक्स्ट टाइम कहीं भी कभी भी आपको ज़ीरो मिले तो डोंट लुक एट इट, लुक थ्रू इट एंड यू विल सी ए होल न्यू रियलिटी।
थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग स्टफ है, शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क्स. अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कुछ कहना, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू लव माई वर्क एंड वॉन्ट टू सपोर्ट दिस चैनल, आप पेटीएम या फिर पेट्रियन के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बहुत लोग मुझे बुक रिकमेंडेशंस के लिए पूछ रहे थे, उसके लिए मैंने एक अमेजोन स्टोर क्रिएट किया है स्टफ है का. वहाँ पर मैंने कुछ अपनी फेवरेट बुक्स लिस्ट कर रखी है, तो यू शुड गो एंड चेक दैट आउट, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए.